आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। राहुल की सांसदी जाने के विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस का ये लोकतंत्र बचाओ मशाल मार्च है, लाल किले के पास कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है और इस दौरान धरने पर कई कांग्रेस के नेता बैठे, हिरासत पर भी कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लिया गया है। कांग्रेस ने कहा है कि देश के लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है। तमाम बड़े नेता इस मार्च में शामिल हुए, लाल किले के पास ये मार्च किया गया। विरोध इस बात का हो रहा है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द की गई है, इसी के विरोध में पूरा प्रदर्शन चल रहा है। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन है। तमाम बड़े नेता कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने यहां पर गिरफ्तार भी किया है। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से हिरासत में लिए जा रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, वहीं बड़े नेता तमाम दिखाई पड़ रहे हैं इस मार्च में। कांग्रेस की नाराजगी इस बात को लेकर, आखिरकार राहुल गांधी की संसद सदस्यता क्यों समाप्त की गई? लोकतंत्र की हत्या है, हमको मशाल जुलूस नहीं निकालने दिया गया, हमने मशाले जलाई, अपने कपड़े निकाल के रुमाले लगा करके मशाले जलाई, जिनको पुलिस ने बलाए बुझाने का काम किया, मगर हम दिल की मशाल जला करके जो है ये जहां ले जाएं जो भी जुल्म करें ये जुल्म से लड़ेंगे। भारत का प्रतिपक्ष जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद।